निंग एवरी वन प्लीज कंफर्म मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको इफ एवरीथिंग इज सेट जस्ट मैंशन ऑल सेट इन कमेंट्स सो वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट लेक्चर फोर्टीन इन आर डी डी बासू सीरीज और आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं आर्टिकल थर्टी टू का उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव राइट तो इस तरीके से हम आज पार्ट थ्री यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करने वाले हैं तो दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर फ्लो बिफोर बी स्टार्ट जस्ट है लुक ओवर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फोलोइंग रेट कैन बी शूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक ऑथॉरिटी प्रोहिबिशन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर तो आपको बताना है कि भाई कौन सी ऐसे रेट है जो दोनों पर लागू होती है प्राइवेट पर भी और पब्लिक ऑथॉरिटी पर भी कमेंट्स में आप अपने आंसर दे सकते हैं लास्ट में मैं इसको बता दूंगा ऑब्वियसली हमारे डिस्कशन से यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल टू आर्टिकल थर्टी टू डॉक्टर बेडकर का मानना था कि यह आर्टिकल फंडामेंटल है टू तो द फंडामेंटल राइट्स इट मतलब क्या हुआ यानी कि अगर इस आर्टिकल को आपने हटा दिया तो फंडामेंटल राइट्स किसी काम के नहीं और अगर फंडामेंटल राइट्स किसी काम के नहीं तो स्टेट और इंडिविजुअल यानी कि आपके और राज्य के बीच का जो रिश्ता है ना उसकी जो मूल भावना है कि भाई आपको आपके अधिकार दिए जाएंगे सरकार एक लक्ष्मण रेखा में रहेगी वो सब खत्म हो जाएगा अगर आर्टिकल 32 को ना दिया होता शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे सर चलिए ऐसे बात करते हैं अभी तक हमने पार्ट थ्री की जर्नी करी और आज हमारा पार्ट थ्री का लास्ट लेक्चर है तो पार्ट थ्री में जितने हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े 14, 15, 16, 17 so on, तो मुझे बताइए अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट एवरेज होता है आपको नहीं मिल रहा है राइट right? तो आप कहां जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कैसे आपको पता लगा क्योंकि वो आर्टिकल थर्टी तो टू ना होता हमारे पास एक दूसरा भी दरवाजा था ना आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स हम सर हाई कोर्ट जा सकते थे अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कराने के लिए बिल्कुल जा सकते थे लेकिन माय फ्रेंड्स आर्टिकल 226 नॉट अ फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास है। वो फंडामेंटल राइट नहीं है, है सुप्रीम कोर्ट का वो आपका फंडामेंटल राइट है उसको आपसे नहीं छीना जा सकता एक्सेप्ट जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो आर्टिकल थ्री फिफ्टी ऑर्डर के द्वारा वो एक एक्सेप्शन है लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई राइट्स आपको दिए जाए और उसको एश्योरिटी देने के लिए एक एक आपको लोकेशन ना मिले कि आप वहां जा सकते हैं और उस लोकेशन पर जो अथॉरिटी उसको पावर ना हो तो फिर आपके राइट्स किस काम के राइट right? तो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नाम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्यों क्योंकि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल के तहत पावर मिली है टू डिफेंड योर फंडामेंटल राइट्स राइट

अगर वो ही सिक्योर नहीं है तो आपको नहीं लगता ये कॉन्स्टिट्यूशन ही न है राइट इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट ये जो सोल और हार्ट इन्होंने कहा है, इस बात को अलग मत लेना डायरेक्ट यूपीएससी मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन भी पूछूंगी ऐसे ठीक है कि डॉक्टर uh, बी आर अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है फॉर विच आर्टिकल तो थर्टी टू के लिए ध्यान रखिएगा ना थर्टी टू को बेसिक फीचर भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता अब जब मैंने कहा इसको बदला नहीं जा सकता तो लेट मी रिफ्रेम द स्टेटमेंट एज वेल क्योंकि यूपीएससी यहां पर भी एक ट्रैप कर सकती है ठीक है अगर यूपीएससी ऐसा कहे कि आर्टिकल थर्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडी द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी एमेंडेड इन एनी वे मुझे बताइए स्टेटमेंट वुड बी ट्रू और फॉल्स यानी कि मैंने कहा कि आर्टिकल 32 ये बेसिक फीचर शो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसका इसको किसी प्रकार बदला नहीं जा सकता इंडियन पार्लियामेंट द्वारा तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है शायद आप लोग कहें कि सर ये तो ट्रू है बिल्कुल सही सी बात है राइट right? और एक तो होता है गलतर यह सरासर गलत हो जाएगा आपका ऐसा कैसे देखिए जब मैं बदल, बदलना कहता हूँ अमेंडमेंट कहता हूं तो अमेंडमेंट का मतलब तो एडिशन भी होता है है कि नहीं सब्सट्रेक्शन यानी कि कुछ हटाना भी होता है कुछ लगाना भी होता है या फिर कुछ लैंग्वेज में ऑल्टर करना तो अगर आर्टिकल थर्टी को इस तरीके से बदला जाए कि आपके फंडामेंटल राइट एवरेज हो कम हो जाए सब्जुकेट हो जाए तो बिल्कुल सही बात है ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता लेकिन अगर ऐसा अमेंडमेंट किया जाए पार्लियामेंट द्वारा कि आर्टिकल 32 का जो स्कोप है वो फर्दर इंक्रीज हो जाए तो मुझे बताइए ये भी अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ लेकिन क्या इससे आपका फंडामेंटल राइट एवरेज हुआ कुछ नुकसान हुआ भाई आपको नहीं हुआ तो यानी कि ऐसा अमेंडमेंट हो सकता है राइट तभी मैंने कहा ये जो अमेंडमेंट वर्ड है इसमें भी ट्रैप हो सकता है आई थिंक अब आप ये गलती नहीं करेंगे राइट और इससे पता लगता है आर्टिकल थर्टी टू से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरीके से गारंटर है आपके फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखिएगा केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहां पर जिक्र है हाई कोर्ट के बारे में जिक्र आर्टिकल ही तो गया right? राइट right? तो अगर यही ना हो तो फिर तो भाई ये यह मीनिंग यही तो बात हमने बताई तो वेन दे आर वायलेटेड तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ये तो बेसिक सी बात है अब यहां पर फोर प्रोविजन हैं पहले इसकी बात करेंगे और फिर इन प्रोविजन की तह में जाएंगे ठीक है ऑपरेशन करेंगे उसका पहला प्रोविजन क्या कहता है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है मींस यू हैव राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट एक बात तो बिल्कुल क्लियर है दूसरा कहता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट तो के पास आपके फेवर में यानी कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट जारी करने की पावर है अब यह रिट क्या होता है डब्ल्यू आर आई टी रिट का मतलब होता है लीगल ऑर्डर अच्छा अगर मैं कहूं

सुप्रीम कोर्ट को यह जो रिट इश्यू करने की पावर दी गई है यह विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट दी गई है ठीक है स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट लेकिन रिट्स का प्रयोग जैसे हाई कोर्ट द्वारा अदर लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी किया जाता है राइट लेकिन आर्टिकल रेडी टू स्पेसिफिकली रिट्स का प्रयोग फंडामेंटल राइट्स आपके प्रोटेक्ट करने के लिए करता है ठीक है तो दो प्रोविजन हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की पावर है तीसरा प्रोविजन कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू एक्चुअली एमेंड आप कहोगे एमेंड कैसे अब मैं एमेंड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां से यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूज करता है वर्ड एमपार एमपार अदर कोर्ट्स टू तो इशू सच डायरेक्शंस मतलब क्या हुआ अगर मैं कहूं कि क्या हमारी पार्लियामेंट

स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट प्रेजिडेंट कैन सस्पेंड अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में एक एक्सेप्शन बताया था कि देखो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं राइट और आर्टिकल थर्टी टू आपके फंडामेंटल राइट right का ही पार्ट है तो मैंने कहा कि भाई इसको एवरेज नहीं कर सकते सस्पेंड नहीं कर सकते एक्सेप्शन क्या है वहां पर भी सस्पेंड वर्ड इज बेटर क्योंकि सस्पेंड होता है टेम्पररी नेचर ठीक है छोटे छोटे इन वर्ड्स पर खेलती है यूपीएससी ठीक है सस्पेंशन कब हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल इमरजेंसी इज इन प्लेस अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू और अगर ऐसा होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन प्रेजिडेंट को पावर देता है कि वो स्पेशल ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि भाई फिलहाल ये ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इनकी प्रोटेक्शन के लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते तो वो एक तरीके से क्या हो गया एक्सेप्शन हो गया इसके बारे में और डिटेल में हम जानते हैं जब हम नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे ठीक है तो यह बात यहां पर आई थिंक आपको क्लियर है four ही points मुझे बताने थे अभी फिलहाल तो है 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 अब जरा देखते हैं यहां पर पर बासु ने क्या कहा है? कहां से स्कोप बनता है question का पहले आप मेरी आप मेरी बात सुन लीजिए उस जवाब दे फिर जानेंगे कुछ अंदर के पॉइंट्स को अगर मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट एवरेज हुआ ठीक है और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन आपने सही रिट की दरख्वास्त नहीं लगाई यानी कि के आपके केस में कोई और रिट के द्वारा प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी आपको उसकी जानकारी नहीं थी आपका वकील ने भी गलत रिट की रिक्वेस्ट कर दी तो क्या ऐसे में आपकी जो पिटिशन है या जो आप मांग कर रहे हैं आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए क्या उस प्रोटेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट अभी भी कंटिन्यू रहेगी क्या उस पर काम करेगी या फिलहाल आपकी रिक्वेस्ट को रद्द कर देगी क्या है ये मतलब सही रिट तो लगाते बताइए आपको क्या लगता है दूसरा एक और स्टेटमेंट देता हूं तो एक स्टेट एक सिचुएशन तो ये है इन सिचुएशन पर आप केवल अपना जवाब देते रहिए मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है जब मैं डिस्कशन को कंप्लीट करूंगा आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाएगी ठीक है नेक्स्ट सिचुएशन बनाते हैं मान लीजिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए ठीक है क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि भाई तुम हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए और आपको कह दे कि जाओ पहले हाई कोर्ट में होकर जाओ यानी कि अगर आप अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है केवल मैं इसी केस की बात कर रहा हूं नॉर्मली आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है नहीं नहीं जाओ हाई कोर्ट जाओ यहां पर आपका काम नहीं है हाई uh, कोर्ट में भी तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करा सकते यहाँ हो यहां क्यों आए हो यहां हम ऑलरेडी बिजी हैं राइट right? क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट आपको डिनाई कर सकती है योर प्रोटेक्शन रिगार्डिंग दिस रिड जक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस नंबर टू राइट बताइए आपका क्या मानना है मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले यानी कि हमारे देश के जो फॉर्मर सीजे है मिस्टर जस्टिस मिस्टर बॉबडे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग दिस वेरी पॉइंट कहा था कि विद रिगार्ड टू रिट जिक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एग्रीव्ड पर्सन शुड फर्स्ट रीच हाई कोर्ट तो सबसे पहले उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दी थी उसके बाद कई सारे इस पर आर्टिकल आए कई सारे विवाद बन गया कि ऐसा कैसे कह दिया सीजीआई ने क्योंकि आर्टिकल 32 टू तो फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 32 एक डायरेक्ट एक्सेस देता है इंडिविजुअल को कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तो ऐसा कैसे कह दिया तो चलिए अब जरा जानते हैं कि जस्टिस बॉबडे ने ऐसा क्यों कहा था राइट और क्या यहाँ पर सही है अब जरा आप इस वाली स्टेटमेंट को पढ़िए द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पेशल रोल एज प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल थर्टी टू सब्लॉस वन

कर नहीं पाए या क्यों आपको लगा कि फ्यूटाइल था वहां पर जाना राइट लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे ने केवल यह स्टेटमेंट पढ़ी और इसके आगे के डिस्कशन को नहीं सुना तो वो यूपीएससी के ट्रैप में आ जाएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट से वो बच्चा जस्टिस बॉबडे फॉर्मर सीजे जस्टिस बॉबडे का तो स्टेटमेंट वो कनेक्ट करेगा क्यों वो कह रहे होंगे लेकिन इसके आगे के पॉइंट तो सुनिए द सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज देखिए वर्ड ए कैन नॉट रिफ्यूज रिलीफ अंडर नहीं कर सकता चाहे आप हाईकोर्ट से, हाई से अपनी रेमेडी ले सकते थे अपना समाधान करा सकते थे लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए लेकिन इस बिहाफ पर इस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट आपको डिनाई नहीं कर सकता ये केवल एक स्टैंडर्ड प्रोसेस कहा गया है कि ऐसा करा जाना चाहिए जिससे कि हाई कोर्ट के स्तर पर ही फंडामेंटल राइट right से जुड़े हुए मुद्दे रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन यह बाध्य नहीं है यह कोई लिमिटेशन नहीं है आपको क्योंकि आर्टिकल 32 आपका फंडामेंटल राइट right है तो इस बेसिस पर आपको डिनाय नहीं किया जा सकता ठीक है तो रूल इज दिस क्लियर है अंडर दिन लॉ और अंडर दिन लॉ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड और एविडेंस हैजी टेकन बिफोर रिलीफ मुझे लगता है एक यहां से अगर एक क्वेश्चन बन जाए तो हवा भी नहीं आएगी कितने सारे हमारे एक्सपेरेंट्स को क्योंकि इस तह तक दिया नहीं हुआ ज्यादातर जगह मतलब देखिए इसका क्या है मान लीजिए आप अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए गए राइट right? तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले कहे कि नहीं डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैजी टेकन बिफोर द रिलीफ नहीं अगर इशू यह है कि यू यू नीड टू बी प्रोवाइडेड इमीडिएट रिलीफ बिकॉज योर फंडामेंटल राइट इज एवरेज तो पहले आपके फंडामेंटल राइट right, कोई, कोई जो एबरेजमेंट है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी पहले आपको वहां पर राहत दी जाएगी यानी कि उस मामले को डिले नहीं किया जाएगा इस बात पे डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं कुछ उसको इन्वेस्टिगेट करो नहीं नहीं क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं ना जब हम रिट रिजेक्शन की बात करते हैं तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिटिगेशन इन विच प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड एंड द आर्ग्यूमेंट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ देन फॉर द जजमेंट इज गोइंग टू बी एंश्योर्ड राइट क्योंकि ये एक तरीके से रेमेडी है कि आपका स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट जा रहा है ठीक है तो ये स्टार पॉइंट मैंने लगा दिया ध्यान रखिएगा ठीक है और अभी जो एक और सिचुएशन मैंने आपसे पूछी थी कि भाई अगर रिट आपने गलत रिक्वेस्ट करी

मतलब सर्शरी प्रोहिबिशन मैंडमस वो आपके लिए जो सुटेबल बैठता है वो सुप्रीम कोर्ट का करने की जिम्मेदारी है ठीक है तो है ना कमाल की बात प्रोडक्शन देख रहे हैं आप अपनी नेक्स्ट जर्ली ओनली द पर्सन एफेक्टेड मेमू और यहाँ पर मैंने ये बताया है कि देखो जनली ये माना जाता है कि भाई जिसका फंडामेंटल राइट एवरेज हुआ है वो जाए कोर्ट और अपने फंडामेंटल राइट क्लियर जोशन एक्चुअली के तहत वो राहत मांग ले बट द पॉइंट इज ऐसा मैंडेटरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल अब कॉर्पस की रिट है जिसको हम आगे जानेंगे तो उसमें इलीगल डिटेंशन की बात होती है कि अगर आपको डिटेन किया गया बिना कानूनी ग्राउंड पर तो ऐसे में भाई आप तो है। आप कहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे राइट right? तो आपके बिहाफ पे कोई और भी जा सकता है इस पॉइंट में मैंने यह भी बताया है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है और वहां पर पब्लिक का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो ऐसे में पीआईएल को भी एंटरटेन किया जा सकता है

किसी दूसरी अदालत में नहीं गए हाई कोर्ट में नहीं गए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो इस वजह से आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि डिनाय कर देंगे दूसरा आपको बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको रिलीफ दिया जाए ठीक है डिस्प्यूट रिगार्डिंग फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन वो ठीक है बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिलीफ अगर वो केस रिलीफ का है वहां पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है फिर आपको बताया कि भाई अगर रिट प्रॉपर अप्लाई नहीं करी कोई टेंशन वाली बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट आपके लिए प्रॉपर रिट के तहत ही फैसला देगी आपकी नासमझी को दरकिनार रखेंगे ठीक है देखिए देखिए लॉ में क्या होता है सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ठीक है तो ये, ये ऐसा हो सकता है ठीक है इस वजह से यहां पर सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि भाई आपको जो हिसाब से लगता है कि ये रेट आनी चाहिए तो आप वो रेट लगा दो राइट बट उसको रिलीफ दे दो और यहाँ पर बताया कि भले आप एग्रीव्ड पार्टी ना हो कोई दूसरा हो तो उसके बिहाफ पर भी आप यहाँ पर आ, आ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ठीक है यानी कि पीआईएल वाला केस याद रखना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है नाउ अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये ए के गोपालन केस अब ए के गोपालन केस में क्या हुआ ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे मद्रास से जहां पर आज तमिलनाडु है तो उनका ना प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत उनको डिटेन कर लिया तो यानी कि उन्होंने अपराध नहीं किया लेकिन कयास लगाया जा रहा था कि भाई आप अपराध करोगे यू आर गोइंग टू कमिट सम क्राइम इट इज गोइंग टू बी डिमेंटल फॉर द पब्लिक ऑर्डर एंड दैट इज वाई आर बिंग डिटेन अब उन्होंने कहा भी ये मेरे आर्टिकल के खिलाफ है क्योंकि आर्टिकल ट्वेंटी right तो लॉ है इसी में ही कुछ पॉइंट जो है, है तो क्योंकि मुझे यही नहीं बताया जा रहा कि किस ग्राउंड पर मुझे डिटेन किया गया है तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुना सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्राउंड तो बता दो एटलीस्ट कोर्ट को तो बता दो तो ऐसे में कहा गया कि देखो अगर कोई कोई ग्राउंड ऐसा है दैट विच इज नॉट यू कैन से नुकसान हो सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट को कि अगर आपने उस ग्राउंड को बताया तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन ग्राउंड को अपने पास रख सकते हैं भाई हम ग्राउंड नहीं बता रहे हमने तो डिटेन कर दिया क्योंकि हमें लगता है कि ये व्यक्ति न्यूसेंस क्रिएट करेगा ये हम इस वजह से हम इसको प्रिवेंटेड टेंशन लॉ में रख रहे हैं राइट तो कोर्ट ने इस बात पर सोचा कि ये तो एक तरीके से इलीगल भी हो सकता है कारण याद कीजिए आर्टिकल 22 प्रीवियस प्रीवियस में मैंने आपको क्या बताया था कि देर आर टोटल सिक्स ग्राउंड जिसके बेसिस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाया जा सकता है क्या थे सिक्स याद है किसी को कमॉन आई थिंक ट्रिक भी याद होगी मैंने बताया था लिस्ट वन और लिस्ट थ्री याद है आपको यानी कि यूनियन लिस्ट और कॉन्ट लिस्ट डी एफ एस डिफेंस ऑफ इंडिया याद आ रहा है फॉरन अफेयर याद आ रहा है डिफेंस फॉरन अफेयर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विस तो यह सिक्स मामले हैं इन सिक्स मामलों में ही एक्चुअली आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकते हैं तो ग्राउंड इनमें से कोई एक होना चाहिए ना तो अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट को भी नहीं बता रही

तो अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इन डिटेल क्योंकि यह भी इतने डिटेल में ना डिस्कस नहीं किया गया इन एट मैनी प्लेसेस तो और यहां से क्वेश्चन बना तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो वैसे मैंने आपको जस्ट बताई है इसकी मी यस इट आई थिंक अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा राइट यस नाउ देखिए

उसके खिलाफ आंदोलन होने लगे तो फिर हमारी पार्लियामेंट क्या करती है भाई राजनीति सबसे पहले है राइट right? वोट बटोरने तो ऐसे में वो क्या करते हैं वो एक लॉ लाते हैं और कहते हैं देखो सुप्रीम कोर्ट यू हैव टू गिव जजमेंट एज पर द स्टैंडर्ड लॉ दर इज अ लॉ और लॉ बनाने की पावर तो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के पास है और देखो हम हमारा मानना है कि इससे हम कोई फंडामेंटल राइट भी एवरेज नहीं करते इफ देर इज अ लॉजिक देयर तो यानी तो कि वो राइट कर लेते हैं लेकिन अगर फंडामेंटल राइट की बात आए तो ऐसे में रेमेडी जो के आर्टिकल 32 के तहत अगर, अगर इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे रही है और लेजिस्लेचर उसको भी ओवर करने लग जाए तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गारंटर कहां रह गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है आर्टिकल थर्टी क्या कहता है एक तरीके से फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन है सुप्रीम कोर्ट है राइट right. तो मुझे लगता है कि यहां पर ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है आपसे गलत नहीं होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू प्रोवाइड रेमेडी इज इम्यून फ्रॉम बीइंग ओवर यहां से एक स्टेटमेंट बन सकती है ये चीज इसका निष्कर्ष है ठीक है फर्दर मैंने जो आपको डिस्कशन बताया ए के गोपालन केस वाला सुप्रीम कोर्ट इनवेलिडेटेड सेक्शन फोर्टीन ऑफ प्रिवेंटेड एक्ट नाइनटीन कारण यही वो सेक्शन फोर्टीन था जो कह रहा था एग्जीक्यूटिव को कि अगर हमें ग्राउंड नहीं बताने तो नहीं बताएंगे

नो कोर्ट शेल बी एंटाइटल्ड कोई कोर्ट एंटाइटल नहीं होगी नो कोर्ट का मतलब समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मतलब प्रिवेंटिव टेंशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी कह रहा है नो कोर्ट शेल बी एंटाइटल्ड और रिक्वायर एनी पब्लिक ऑफिसर कोई भी पब्लिक ऑफिसर यानी कि जैसे फॉर एक्साम्पल पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसने प्रिवेंटिव टेंशन में रखा टू डिस्कलोज द सब्सटेंस ऑफ एनी सच एनी सच कॉम्युनिकेशन रिप्रेजेंटेशन मेड यानी कि उनसे पूछ भी नहीं सकती कि भाई ये तो बता दो किस एवज में आपने गिरफ्तार किया है डिटेंशन में रखा है पार्ट देर ऑफ विच इज कॉन्फिडेंशियल तो जिसको उन्होंने कॉन्फिडेंशियल कह दिया उसको कोर्ट भी एंटाइटल नहीं है तो कोर्ट ने कहा भाई ये गलत है राइट right? ये तो इस स्टैंडर्ड प्रोसेस के खिलाफ है है कि नहीं तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि दिस सिक्स ग्राउंड और फिर इसके बाद कोर्ट ने यह बताया भी अपने जजमेंट में कि भाई ये सिक्स ग्राउंड्स है देखिए इन्होंने क्या कहा इट शेल ऑफेंस पनिशेबल विद टर्म विच मे एक्सटेंड टू वन और ये क्राइम है अगर इसका ग्राउंड आपने पब्लिश किया बताया विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल कानून बनाया गया था तो देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द दा अबव प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या मजाक है मतलब जुडिशियल रिव्यू को तो आप जुडिशियल रिव्यू छोड़ो हम तो यहाँ पर पूछना दिया प्रोटेक्शन क्यों? right की बात करता है और यहां तो आर्टिकल ट्वेंटी टू जो प्रिवेंटेडेंशन वाला प्रोविजन है उसका वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी भी पता नहीं कर सकते हम क्योंकि ग्राउंड ही नहीं पता लग प्रिवेंटिंग है सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल थर्टी टू राइट right? तो आर्टिकल थर्टी टू का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे आर्टिकल ट्वेंटी टू के तहत अगर किसी का फंडामेंटल राइट गया तो आर्टिकल थर्टी टू के तहत अगर वो बचा अपना फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने आ रहा है तो ही नहीं सकता राइट right? तो ये था ए के गोपालन केस में यहां पर हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सेक्शन को सेक्शन फोर्टीन को हटाने वाली बात राइट right? अगर ये बात क्लियर हो गई है अब आपको मैंशन यस इन कमेंट्स यहां से गलती अब होनी नहीं चाहिए आपकी नाउ

जी हाँ हो सकता है अभी तो बताया था नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो आर्टिकल 352 वाली तो आर्टिकल 359 के तहत हो सकता है राइट लेकिन यहां पर देखिए आर्टिकल 226 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट एट द द टाइम टाइम ऑफ टू इमरजेंसी आप कहेंगे ऐसा कैसे क्यों क्योंकि आर्टिकल जो 359 है ना वो फंडामेंटल राइट right को सस्पेंड करने की बात करता है राइट और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है ये तो पार्ट थ्री से अलग है इस वजह से ठीक है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बच्चा ट्रैप हो सकता है अगर एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट यहाँ पर बनाया जाए मतलब तो 32 सस्पेंड हो रहा है और 226 की इतनी मजाल कि ये सस्पेंड नहीं हो रहा जी हाँ कारण लैंग्वेज देखे ना 359 इज एप्लीकेबल और फंडामेंटल राइट बट 226 इज नॉट फंडामेंटल राइट समझ रहे हैं नाउ स्कोप क्या है आर्टिकल 32 का केवल फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट जारी कर सकता है लेकिन 226 में क्या है ये आपके फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट दोनों के लिए एक्चुअली रिट जारी कर सकता है तो अगर मैं कहूं रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बिल्कुल तो सही बात है क्योंकि कोर्ट का जो रिट जिक्शन है वो फंडामेंटल राइट right पर भी लग सकता है और लीगल राइट right पर भी लग सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जिक्शन है वो केवल फंडामेंटल राइट पर प्रोटेक्शन के लिए लग सकता है ठीक है तो ये मत समझना कि यार सुप्रीम कोर्ट ऊपर है रिट भी वाइड होगा अरे लॉजिक समझो ना वो केवल एफ पे लग रहा है एल आर दोनों पर लग रहा है लीगल राइट right पर भी लग रहा है क्लियर है नेक्स्ट जोशन अब अगर टेरिटरी की बात करें तो आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो टेरिटोरियल जिक्शन होता है वो पूरे भारत पर है भाई पूरे भारत की टेरिटरी में कहीं पर भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो नॉकनोक कर सकते हो राइट लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट right जो वायलेट हो रहा है वो तमिलनाडु में हो रहा है राइट और वहीं की किसी अथॉरिटी से हो रहा है और आप कहने लगे कि नहीं मैं तो यूपी से हूं मैं तो यूपी में जाके अलाहाबाद कोर्ट से वहां से एक्चुअली अपना फंडामेंटल राइट कराऊंगा प्रोटेक्ट यूजिंग आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ऐसा नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी राइट कारण इट इज नॉट नेसेसरी मैंने ये वर्ड बोला है नॉट नेसेसरी हर एक वर्ड के पीछे बहुत ही लॉजिकल बात होती है ठीक है पॉलिटी में देखिए क्यों हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जिज्रिक्शन होता है वो उस स्टेट की टेरिटरी तक होता है राइट right? लेकिन अगर एक स्टेटमेंट बना दी जाए ऐसे मैं में स्टेटमेंट ऐसे बना दूं कि इन नो कंडीशन वॉट सो एवर टेरिटोरियल जिजिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी एप्लीकेबल बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट तो बताइए वो स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी दोबारा रिपीट करो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए बताइए मैंने कहा कि भाई जो स्टेट की टेरिटरी है उसी में उस स्टेट हाई कोर्ट का एक्चुअली रिडिक्शन आता है उसके बाहर किसी भी केस में आ ही नहीं सकता लग ही नहीं सकता क्या लगता है आपको ट्रू और फॉल्स तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो ट्रू तो नहीं होगा सीधे सवाल तो पूछते नहीं है सर है ना आप दिमाग लगा रहे हो ये मैं आपको बता आंसर इज लग सकता है ठीक है आंसर इज लग सकता है मींस समझ गए बात लॉजिक्स बताऊं इसका देखिए एक डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एक सिद्धांत है जो हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल करते हैं मतलब क्या हुआ उस केस में किसी हाई कोर्ट का जजमेंट उस स्टेट की हाई स्टेट की टेरिटरी के बियॉन्ड लग सकता है अगर वो जो मामला है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली कनेक्टेड है बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ स्टेट तो अगर उस उसका जो मतलब वो जो केस है उसमें जो एब्रिजमेंट हुआ है तो उसका लिंक यहाँ से भी है और दूसरी जगह से भी है तो कंप्लीट जस्टिस तभी दिया जा सकता है जब इस के बाहर वहां पर हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो अप्लाई हो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वहां पर जाए और उसको अप्लाई कराए तब जाकर अगर हो सकता हो तो इस केस में यहां पर स्टेट की टेरिटरी के बियॉन्ड भी हो सकता है तो अगर कैन आए तो समझ लेना जी हां हो सकता है डॉक्ट्रीन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस नेक्सस इस वजह से अगर स्टेट की टेरिटरी के बियॉन्ड भी कनेक्शन है नेक्सस मतलब कनेक्शन है ऐसे याद रखना ठीक है तो अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया मैंने बता दिया ठीक है अब डिस्क्रिप्शन की बात करें देखिए हाई को, सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है यहां पर मैं परिप्शन का मतलब अगर आप आए हो सुप्रीम कोर्ट के दर पे तो सुप्रीम कोर्ट को आपको फंडामेंटल uh, राइट right, क्योंकि आपका आर्टिकल 32 खुद है तो आपको प्रोटेक्शन देनी होगी लेकिन यहां पर 226 आपका फंडामेंटल राइट right नहीं है तो हाईकोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है यानी कि देखिए

ठीक है है ये ट्रैप अब क्लियर है आपको अब टाइप रिट्स की बात करते हैं हैं ये आपके टाइप रिट्स हैं। हम ट्रिक भी याद रखेंगे और ट्रैप भी याद रखेंगे सबसे पहले पर चलते हैं यहां से कुछ आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से दिमाग में रहेगा कॉर्पस लैटिन वर्ड मतलब कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति का इलीगल डिटेंशन हुआ है तो ऐसे में ये रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रही है

तो रेट ऑफ एबस कॉर्पस तो जज साहब अब देखेंगे सही में इलीगली है क्या तो फिर वो देखते हैं अच्छा हमें ग्राउंड तो पता नहीं है लेट्स कॉल दैट अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल आज आपके घर पर पुलिस आ गई नॉक नॉक करके और आपको ले गई ठीक है और आपके पेरेंट्स ने कहा किस बेसिस पर लेकर जा रहे हैं बेसिस नहीं बताया राइट फिर आपके पेरेंट्स थाने में गए तो थाने में भी आप नहीं मिल रहे फिर वहीं पर वही पुलिस वाले बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई आपने उन पेरेंट्स ने कहा भी हमारा बेटा कहाँ है बेटी कहाँ है तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास तो नहीं है ना कहा आप लेने तो आए थे ना नहीं हम तो नहीं लेने आए थे तो अब आपके पास मान लीजिए कुछ प्रूफ है कुछ लोगों ने देखा है राइट सी कैमरा है तो पता तो लगा यार डिटेंशन तो हुआ है और ग्राउंड नहीं बताए जा रहे इल्लीगल है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे सर प्रूफ है ये लोग लेकर गए हैं सर और डिटेंशन है और इन्होंने डिटेन किया हमें कुछ बेसिस ही नहीं पता लग रहा राइट एक तो ये वाली बात होगी दूसरा अगर डिटेंशन हुआ और उसका कोई बेसिस नहीं है लॉजिक नहीं है तो ऐसे में मतलब लीगल लीगली वो ऐसा नहीं कर सकते उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है तो ऐसे में भी जज साहब कहेंगे कि भाई प्रोड्यूस करो उस व्यक्ति को यहां पर और अगर पाया गया कि इलीगल है तो आपको फ्री कर देंगे और उस अथॉरिटी से कहेंगे भाई जरा डिपार्टमेंट से हम कहते हैं आप पर इंक्वायरी बैठा राइट ऐसा हो सकता है तो रेट ऑफ कॉर्पस कैन बी अगेंस्ट बोथ बता दिया पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल ठीक है तो प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी अगर डिटेंशन किया है किसी का तो वहां पर भी यह रेट लगती है ठीक है ध्यान रखिएगा तो वो जो क्वेश्चन पूछा था ना स्टार्टिंग में तो उसमें एक कॉर्पस तो सही बात बैठ गई है ना नाउ अब अगर मान लीजिए ऑलरेडी वो मामला किसी मजिस्ट्रेट के पास गया यहां पर एक ट्रैप बनता है इस से आपको बता रहा हूं ये डी डी बासू में इस तरीके से ये तो पूरी बात वही बताइए जो हमने डिस्कस करी मान लीजिए ऑलरेडी किसी के डिटेंशन के संबंध में वो मामला मजिस्ट्रेट के सामने गया और मजिस्ट्रेट ने कहा हाँ हाँ ठीक है डिटेंशन ठीक है करो डिटेन इवन आपको जेल में भेज दिया जुडिशियल कस्टडी हो गई और अब आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए सर सर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है है इलीगल डिटेंशन तो वहां पर वो कहेंगे कि भाई इसको आप फंडामेंटल राइट कॉर्पस कॉर्पस के आप लेट के थ्रू थ्रू मत मत लाओ लाओ क्योंकि ऑलरेडी किसी मैजिस्ट्रेट ने वो डिटेंशन को लीगल घोषित कर दिया है तो यानी कि अब आप हमारे पास नहीं आओ अब आप ऑर्डनरी रूट से जाओ अगर आपको उससे कुछ दिक्कत है तो तो अब आपका केस चलेगा क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया है कि भाई लीगल है ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस बात को रिट ऑन द अदर एंड इज नॉट इशूड कहां पर अगर डिटेंशन लॉफुल है भाई कानून के तहत ही डिटेंशन हुआ है प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट या लेजिस्लेचर का यानी कि आपने कोर्ट की अवमानना की थी कोर्ट के किसी डायरेक्शन को नहीं माना था या लेजिस्लेचर की प्रिविलेज को वायलेट किया था उस केस में आपको डिटेन किया गया है तो ऐसे में वो तो लीगल डिटेंशन हो गया भाई है ना डिटेंशन इन केस ऑफ कंटेम ऑफ कोर्ट हो गया डिटेंशन आउटसाइड द ऑफ द कोर्ट हो गया कहने का मतलब यह हुआ अगर ये मैंने इसलिए बताया है, क्योंकि ये रिट के बारे में कह रहे हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात कर रहे हैं राइट तो यानी कि कोई भी रिट हैबिस कॉर्पस वाली तभी इशू हो सकती है अगर आप उस एवज में रिट इशू करने की ताकत रखते हो तो ये एक अलग से स्टैंडर्ड स्टेटमेंट यूज की जाती है सो तो आप इन तीनों को ध्यान रखना यह अलग से एक स्टेटमेंट यूज की जाती है जब भी हम हैबिस कॉर्पस रिट को इन डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि अन्य देशों में भी तो कॉर्पस का इस्तेमाल होता है तो वहां पर स्टेटमेंट यूज मतलब होता है कमांड आसान भाषा में याद करने का तरीका अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है ठीक है कोई ऑफिसर है उसकी कोई ड्यूटी है कि वो उसको करना चाहिए लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा और इससे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप कहां जा सकते हो जज साहब के पास सुप्रीम कोर्ट के पास कि जज साहब मेरी यह ड्यूटी है मतलब इनकी ये ड्यूटी है मेरा यह अधिकार है ये फॉलो ही नहीं कर रहे फॉर एक्साम्पल जैसे देखिए योर ऑनर पुलिस इज नॉट टेकिंग माई कंप्लेन तो कंप्लेन रजिस्टर करना पुलिस की ड्यूटी है लेकिन कर ही नहीं रहे तो जज साहब कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात है तुम मतलब तुम्हारी ड्यूटी है करना पड़ेगा तुम्हें मैंनेडेमेंस की इशू कर दी मैंनेडेमेंस का मतलब क्या होता है कमांड तो वो कह रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी कह रही है ठीक है सर अभी हम रजिस्टर करते हैं राइट right? तो अग्रीव इंडिविजुअल है क्लियर बात तो यानी कि मैंडमेस मींस वी कमांड इन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू इन्फीरियर कोर्ट ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी ध्यान रखिएगा यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है मैंने पब्लिक अथॉरिटी का एग्जाम्पल दिया आपको जैसे कि पुलिस का एग्जाम्पल दिया ये जो रिट है ये इसके अलावा कोर्ट या ट्राइब्यूनल पर भी लग सकती है ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है ठीक है इन्फीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अच्छा अगर मैं कहूं कि कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ प्राइवेट अथॉरिटी इन एनी केस पॉसिबल स्टेटमेंट इज स्टोर फॉल्स ये मैं थोड़ा इससे नेक्स्ट लेवल पे जाके क्वेश्चन बना रहा हूं बताइए अगर मैंने कहा कि मैंडमस रिट कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ प्राइवेट अथॉरिटी इन एनी केस पॉसिबल तो हो सकता है क्या नो तो शायद कुछ लोग हैं सर लग रहा है पॉसिबल तो है सर मैं आपको बताऊं एक केस है अगर जो प्राइवेट अथॉरिटी है ना वो अगर स्टेट की तरह काम कर रही है याद कीजिए आर्टिकल 12 में जब स्टेट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे राइट याद आ रहा है कुछ यूनियन स्टेट लोकल और उसके बाद अदर बॉडीज अदर बॉडीज में पी एस के बाद मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था राइट यानी कि अगर प्राइवेट बॉडी है और वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और उसको भी किसी एरिया में रेगुलेशन जैसी पावर मिल रही है तो इसका मतलब है उस पर भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं ठीक है तो उसको वो ड्यूटी को फॉलो करना पड़ेगा उस केस में केवल प्राइवेट पर आ सकता है अन्यथा केवल पब्लिक अथॉरिटी और कोर्ट और ट्राइब्यूनल क्लियर है इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चा केवल इतना पढ़ता है तो सोचता है बस वो तो लिखा ही नहीं था वहां पर समझ रहे नाउ अपार्ट फ्रॉम एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट

गाइडलाइंस विच आर मैंशनड ऑन देबसाइट और द ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दीपल बट दो गाइडलाइंस आर नॉट मैं लॉ राइट दीज आर जस्ट मियर गाइडलाइंस तो क्या गाइडलाइंस कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस की भाई हम ऐसी सर्विसेस देंगे वो ड्यूटी की तरह मैंशन नहीं है लॉ में लेकिन गाइडलाइंस हैं समझ रहे हैं जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में गए फॉर एग्जाम्पल आर टी ओ में

अब देखिए हम इसको पढ़ेंगे और मैं इससे थोड़ा सा अलग जाकर भी आपको बता रहा हूं जिससे कि आप आपके अंदर पता लग जाए कि पॉलिटी को एक्चुअली पकड़ना कैसे है ठीक है ना हाउ यू नीड टू लर्न द पॉलिटी फ्रॉम इट्स एसेंस फिर कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता अब जरा देखिए टू एनफोर्समेंट परफॉर्मेंस ऑफ अ अटैचरी ड्यूटी वे अ पब्लिक ऑफिसर हैज गॉट अ पावर टू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बायूशन स्टैट्यूट स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द कोर्ट मे इशू अ अडमस डायरेक्टिंग हिम टू एक्सरसाइज द पावर इन केस ही रिफ्यूज तो यहां पर यह बताया कि भाई जो स्टैचुरी ड्यूटी है कानून रूप से उसका कर्तव्य है वो अगर नहीं कर रहा तो उसके लिए किया जा सकता है लेकिन मैंने क्वेश्चन कहां से बनाया गाइडलाइन से बनाया ठीक है तो गाइडलाइन के लिए मैंडेटरी नहीं है वहां पर मैं नहीं लगेगी स्टेचुरी ड्यूटी पर लगेगी जो कानून रूप से ड्यूटी है उस पर लगेगी ठीक है ना द रिट विल ऑल्सो लाई टू कम्पेल एनी पर्सन टू फॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी वे द ड्यूटी इज इंपोज बाई कॉन्स्टिट्यूशन स्टैच टैचुरी मॉफ इंस्ट्रूमेंट यह तो समझ में आ ही गया आपको बताई दिया मैंने कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन से कानून से जो भी उसकी ड्यूटी है वो फॉलो कराने के लिए मैंडम से इशू होगा टू कंपेल अ कोर्ट अ ये बताया कोर्ट और ट्राइब्यूनल पर भी लागू होती है इनफीरियर कोर्ट पर अगर वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे तो वहाँ पर भी लागू हो सकती है राइट टू डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिशियल और मुझे लगता है यहाँ पर भी एक ट्रैप बनेगा अभी एक ओट ट्रैप बना हुआ है यहाँ पर To direct a public official or government not to enforce a law which is unconstitutional bhai <laughs> भाई wala वाला काम वो ना ye ये तो मतलब उनकी ड्यूटी है कि you have to what you have to do aapko आपको कुछ काम भी करने होते हैं और आपको ये भी ये भी तो आपका काम होता है कि कोई असंवैधानिक काम ना हो मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क ना हो ये भी तो आपकी ड्यूटी होती है इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया ठीक है तो बींग अ पब्लिक अथॉरिटी इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी दैट यू नी नॉट टू डू एनी थिंग विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अलाउ यहां पर जो मैंने आपको कहा ना एक ट्रैप बनेगा वो ट्रैप ये है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्टिंग जुडिशियल कैपेसिटी क्यों क्योंकि मैंडमस में मैंने कहा कि भाई इंफीरियर कोर्ट ट्राइब्यूनल इन पर भी लग सकती है है कि नहीं तो देखिए यहां पर लेकिन जुडिशियल कैपेसिटी में अगर फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट अगर इशू कर दिए तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जुडिशियल कैपेसिटी में वहां पर लागू नहीं होती ठीक है बाकी ये मैंने आपको बताया प्राइवेट अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिजुअल बॉडी यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा है इट इज नॉट इशूड प्राइवेट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिजुलर बॉडी ये यहाँ पर लिखा है लेकिन मैंने इसका एक आपको एक्सेप्शन केस बता दिया अगर प्राइवेट जो बॉडी है वो स्टेट की तरह काम कर रही हो एज पर आर्टिकल ट्वेल्व केवल वो यहाँ पर एक्सेप्शन है ध्यान दे लेना ये गलती मत करना जान पूछ के मैंने इसको यहाँ ऐसे लिखा है कारण बुक्स में ऐसे लिखा भी रहता है राइट लेकिन जो एक्सेप्शन जो होते हैं ट्रैप वो तब बनते हैं जब हम पॉलिटी की समझ बना लेते हैं फिर समझ में आता है अच्छा दिस शुड बी रेड एज मैं इन आर्टिकल ट्वेल्व एज वेल समझ रहे हैं ट्वेंट फोर्स डिपार्टमेंटल स्ट्रक्शन डज नॉट पॉजिट स्टैचुरी फोर्स ये तो आपको बता दिए जैसे गाइडलाइन है और वो स्टैचुरी फोर्स नहीं है तो उसके लिए नहीं लगेगी अगर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है नॉट मैंडेटरी है मर्जी है भाई उसकी फॉर एग्जाम्पल आप कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं और वो पावर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के पास है कि आपको रोड का कॉन्ट्रैक्ट दें या ना दें ठीक है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि सर अब डीएम को ऑर्डर दीजिए मैंडमेंस के तहत कि वो आपको रोड का कॉन्ट्रैक्ट दें सुप्रीम कोर्ट कहेगी क्या वाहियात बात है ये तुम आ कैसे गए यहां पर कोर्ट का समय खराब करा तुमने एक लाख लोग जुर्माना और लगाओगे लगाएंगे आप पर ठीक है ध्यान रखिएगा क्यों क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है डीएम की मैंडेटरी थोड़ी ना है कि आपको मिलेगा राइट टू एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इसका मतलब ये होता है कि अगर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एम्प्लॉ राइट यू आर एंटर इन यू हैव एंटर्ड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट अब मैं रोड की कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा वो भी एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप चलिए अब आपको रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बधाई हो आपको ठीक है ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है देर आर सम गाइडलाइंस विच यू हैव एक्सेप्टेड विच वर इशूड बाय द गवर्नमेंट बाय द स्टेट और अब आपने काम शुरू कर दिया अब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई विद इन पर्टिकुलर टाइम वो चेक कर लें ऑडिट कर लें और विद इन पर्टिकुलर टाइम आपका पेमेंट रिलीज कर दें अब मुझे बता दो तो जब आपने काम अच्छा कर दिया क्वालिटी का काम कर दिया अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका पेमेंट रिलीज कराएं ये मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है आंसर बताइए कमेंट्स में ये मैंडेटरी है डिस्क्रिशनरी है भाई काम आपने क्वालिटी का कर दिया राइट विद इन टाइम कर दिया ऑडिट जितने भी हो, वो सब बिल्कुल अप्रूव हो गए लेकिन डीएम साहब अब भी जो है आपका पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे कारण आप सब समझ गए होंगे राइट right? तो ये डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है ईमानदारी से काम किया आपने तो ये मैंडेटरी है डीएम साहब को करना पड़ेगा अब राइट तो ऐसे में उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए आप करा सकते हैं ठीक है और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं इशू होती मैंडमस ये ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट नहीं होती ठीक है ध्यान रखिएगा नाउ सरशौरी अब दो चीजें हैं सरशौरी और प्रोहिबिशन ठीक है और इन दोनों में ना बच्चा बड़ा कन्फ्यूज होता है और आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे मैं पहले ना प्रोहिबिशन लिखता हूँ फिर कनेक्शन बन जाएगा आपका सर्शरी से एक बात तो ये ध्यान रखना कि प्रोहिबिशन और सर्शोरी ये दोनों ही रिट केवल जुडिशल बॉडीज पर लगती है ठीक है जुडिशल बॉडीज पर अब आप कहोगे ऐसा कैसे बताता हूँ प्रोहिबिशन आप प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट रोकना ठीक है आप ऐसे याद रख सकते हो पी से प्रोहिबिशन पी से प्रिवेंशन ठीक है सी से सरसरी और सी से क्योर ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए बस यहां पर अभी यहां पर देखिए लोअर कोर्ट के सामने ये व्यक्ति है है ठीक है? और लोअर कोर्ट यहाँ पर कह रही लिसनिंग टू ऑल सेट्स यानी कि सभी गवाहों और किसके मद्देनजर कहते हैं ना सबूतों और गवाहों के मद्देनजर हम इस फैसले पर पहुंचे हैं अब ये जो व्यक्ति था इसने कहा जज साहब आपके पास आपकी कोर्ट के पास तो ये पावर ही नहीं है इस मामले में सुनवाई करने की सर तो ये जो है इस मामले को लेकर हायर कोर्ट के पास चला गया उनसे कहा कि सर ये क्या बात कर रहे हैं ये सबूतों और गवाहों के मद्देनजर फैसला देने वाले हैं सर फैसले से पहले इनको रोकिए प्रिवेंशन तो ऐसे में देखिए हायर कोर्ट क्या हे लोअर कोर्ट वी आर वी फॉरबिड यू फॉरबिड यानी कि हम रोक रहे हैं फ्रॉम डिसाइडिंग एनीथिंग ऑन दिस मैटर हम रोक रहे हैं इस मैटर पर कोई डिसाइड मत करना तो देखिए अभी तक इन्होंने क्या मैटर डिसाइड किया था क्या फाइनल हुआ था क्या क्या फाइनल कोई जजमेंट दिया था इसने नहीं दिया था पहले ही रोक दिया गया ठीक है ना तो प्रोहिबिशन मीस टू फॉरबिड यानी कि रोकना इट इज इशूड बाई हायर कोर्ट टू स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम ट्राइब्यूनल मुझे बताइए कहीं पर भी मैंने पब्लिक अथॉरिटी वर्ड यूज किया क्या या DM, SP, और ये पुलिस मेंशन किया क्या नहीं याद रखिएगा प्रोहिबिशन सरशोर ये हमारी जुडिशियल बॉडीज पर यूज होता है ट्राइब्यूनल पर यूज होता है ठीक है ध्यान रहेगा तो इनको हमने रोक दिया क्या आप फैसला मत लो रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेटिव बॉडीज प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन पर लागू नहीं होती जब आपको याद रहेगा केवल भाई जुडिशियल ट्राइब्यनल इन पर लागू होती है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन प्राइवेट इंडिविजुअल पर ये लागू नहीं होती जो सर्शरी है ये इससे कनेक्टेड है सर्शरी इज लाइक क्योर क्योर कब होता है भाई जब बीमारी हो जाती है तब क्योर होता है राइट right? तो इस व्यक्ति की सोचिए यहां पर ऑलरेडी लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है राइट देखिए वी गिव यू लाइफ इम्प्रिजनमेंट

ये कब लगती है फैसला सुनाया जा चुका है अब हायर कोर्ट कह रही है कि चलो हम तुम्हारा सोल्यूशन करेंगे क्योर करेंगे टेंशन देखते हैं कि तो of of कि द द होल केस तो रिट इशूड ऑन ऑफ ऑफ एक्सेस यानी भाई आपके पास इस मामले में सुनवाई करने की पावर ही नहीं थी आप उससे बाहर जाकर सुनवाई कर रहे हो लैक ऑफ जिडिक्शन उसके बाहर जा रहे हो या आपके पास ये सुनवाई करने की पावर ही नहीं थी या फिर एरर ऑफ लॉ हो यानी दिस वज मतलब जो केस आपने यूज किया जो धाराएं आपने यूज करी जिस बेसिस पर आप फैसला सुना रहे हैं वो बेसिस आर यू कैन कंसिडर दम एज एरर ऑफ लॉ वो वो लॉ में एक एरर की तरह है उस बेसिस पर इस केस में फैसला ये सुनाया जाना नहीं चाहिए था समझ में आ रही बात तो याद रखना क्योर है ये एक तरीके से कोवरेंटो याद करने का तरीका भाई बाय व्हाट अथॉरिटी यू पब्लिक ऑफिशियल आर ऑन दिस पोजीशन मतलब क्या हुआ जैसे कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल किसी पोजीशन पर है पब्लिक अथॉरिटी है और यहां पर कोर्ट के पास आई रेट कि सर इस व्यक्ति के पास कोई लीगल एक्चुअली अथॉरिटी है नहीं मतलब जो लीगल क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी इस व्यक्ति के पास है नहीं तो कैसे इस पोजिशन पर है तो कोर्ट उनसे पूछ सकती है बाय वॉट ऑथॉरिटीशन इट इज अट इशूड विद्यू टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्राम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही शी इज नॉट एंटाइटल्ड यानी कि आप जिसके लिए एंटाइटल नहीं हैं, अगर आप उस ऑफिस पर हैं तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है ठीक है तो इट रिक्वायर्स द कंसर्न पर्सन टू एक्सप्लेन की भाई बाई अथॉरिटी बाई वॉट अथॉरिटी ही शी होल्ड ऑफिस राइट अगर पता लगा कि भाई यू आर नॉट है लीगल एंटाइटलमेंट कानूनी रूप से आप उस पद पर नहीं रह सकते फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पद पर आप हैं तो उसके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती होंगी कोई प्रोसेस होता होगा अगर वहां पर कहीं पर भी गैप था और आप किसी विशेष व्यक्ति की कृपा से यहां पर पहुंचे हैं तो कोर्ट उस कृपा को आपके ऊपर से हटा देगी समझ रहे हैं तो आई थिंक रिट्स आपको क्लियर हो गई दैट इज आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल थर्टी थ्री देखिए क्या कहता है वो कहता है कि जैसे हमारी आर्म फोर्सेज हैं राइट पुलिस है तो ऐसी अथॉरिटीज़ को हम सभी फंडामेंटल राइट नहीं देते यानी कि इनके संबंध में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट right के एप्लीकेशन को रेगुलेट कर सकते हैं राइट right? है तो पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है एब्रोगेट कर सकती है आर्म फोर्सेस पैलामिट्री फोर्सेस पुलिस फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज कि वो ऐसे फंडामेंटल राइट्स नहीं रखेंगे जैसे कि आप रखते हैं जैसे आप और हम जो सिविलियंस हैं तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हम हम असेंबल हो सकते हैं आ, हम आ, अपनी बात रख सकते हैं इन वाया कि भाई हम परमिशन चाहते हैं कि हम यहाँ पर धरना कर, कर, करते हैं या फिर हम एसोसिएशन बना लेते हैं लेकिन आप खुद ही सोचिए अगर हमारी फोर्सेज हमारी डिफेंस फोर्सेज ये धरना प्रदर्शन करने लग गई एसोसिएशन बनाकर तो आपको नहीं लगता है देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ सारी बातें बताने लग गई बाहर पब्लिक को खतरे में आ सकते हैं भाई हम तो अगर आपके कुछ ग्रीवेंसेज हैं तो आपके अंदर फोर्स में डिपार्टमेंट में जो प्रोसेस है उसके द्वारा आप अपनी ग्रीवेंसेज को रिजोल्व कर, कराइए बाहर मत आइए तो इससे क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन कि जो यूटिलिटी है उस पर खतरा आ सकता है तो इस वजह से यहां पर रेगुलेट किया जाता है ध्यान रखिएगा तो आर्टिकल अच्छा अगर मैं कहूं फोर्सेस में जैसे कॉबलर है बार्बर है ठीक है तो जो ये वाली डिफेंस फोर्सेस में क्या इन पर भी आर्टिकल थर्टी थ्री के इस्तेमाल से पार्लियामेंट ने जो एवरेज किए हैं रेगुलेट किए फंडामेंटल राइट तो क्या सेम फॉर्म में इन पर भी लागू होंगे कि जो जैसे हमने फंडामेंटल राइट right कहा कि भाई ये वाले फंडामेंटल राइट्स आपके पास नहीं है तो क्या जो हमारी फोर्सेज में कुक्स हैं कुक्स भी तो होते हैं तो वो क्या कह सकते हैं भाई हम मैं तो लड़ने नहीं जाता नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो मुझे तो ये फंडामेंटल राइट right है मैं तो अपनी एसोसिएशन भी बनाऊंगा अपनी बातें खुलकर बोलूंगा भी ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते यानी कि वेन वी आर सेन ऑल आर कवर्ड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस का मतलब है सभी लोग कवर्ड हैं ठीक है ध्यान रखिएगा क्योंकि ड्यूटीज एंड डिसिप्लिन दिस 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 इज गिवन द प्रायोरिटी और इन आर्टिकल 33 गिव पावर टू पार्लियामेंट ठीक है और इस वजह से पार्लियामेंट ने ये लॉज भी बनाए आर्मी एक्ट नेवी एक्ट एयर फोर्स एक्ट एटसेट्रा ये आपको बता दिया केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है ठीक है अब यहां पर एक केस है डी डी बासु ने मैंशन किया है जैसे कि एक ऑर्डर इशू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को Concession नहीं दिया जाएगा विद रिगार्ड टू प्रेयर प्रेयर टाइमिंग्स कि कि भाई अगर किसी धर्म में कहा गया है कि ये, ये टाइमिंग होती हैं और वहाँ पर आपकी ड्यूटी है तो आपको ये नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपकी प्रेयर टाइमिंग है तो चलो आप अपनी ड्यूटी से कंसेशन रख सकते हो तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन था इसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए उन्होंने कहा ये आर्टिकल ट्वेंटी का उल्लंघन है जैसे कि एक मुस्लिम बॉडी ने कहा कि जैसे हमारे यहाँ नमाज अदा करने की स्पेशल टाइमिंग है तो उस एवज में चाहे कोई फोर्सेस में भी हो उसको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा आर्टिकल 25 कहता है क्या कहता है कि प्रैक्टिस के बारे में कहता है कि हर किसी को अपने धर्म से जुड़ी जो रिचुअल्स हैं प्रैक्टिस हैं वो करने का अधिकार है तो ऐसे में हमारी कोर्ट ने ये कहा कि देखो आर्टिकल थर्टी क्या कह रहा है आर्टिकल थर्टी भी तो फंडामेंटल राइट right है अगर ट्वेंटी फंडामेंटल राइट है तो आर्टिकल थर्टी भी फंडामेंटल तो राइट right है राइट पार्ट थ्री में मेंशन है और आर्टिकल थर्टी थ्री क्या कह रहा है कि जो फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट रेगुलेट हो सकते हैं एवरेज हो सकते हैं राइट तो ये कहा गया कि इसको आप ये मत मानिए कि ये धर्म की अवेलना है या सेक्युलरिज्म नहीं है नहीं कारण क्योंकि देश की जो सुरक्षा है वो एक सेक्युलर मैटर है और उसको प्राइमेसी दी जाएगी राइट जब ये आरोप लगा जो लिटिगेंट्स उन्होंने कहा कि नहीं सर ये तो एंटी सेक्युलर हो गया तो कोर्ट ने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें हमारे आर्ग्यूमेंट भी सुन लो तुम कोर्ट ने ये कहा मतलब आई एम सेइंग दिस इन दिस वे सो दैट यू कैन कनेक्ट बेटर आपको याद रह जाए ठीक है ना ऐसा नहीं कोर्ट इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है आई होप इट इज ऑब्वियस टू यू तो यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि देखिए कैसे एंटी सेकुलर है कारण जब हम ये कह रहे हैं किसी भी धर्म के व्यक्ति को कंसेशन नहीं मिलेगी कि भाई आप अपने फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिचुअल और इस वजह से अपनी ड्यूटी को साइडलाइन कर दो तो इसका मतलब है किसी भी धर्म अब उसमें कोई मुस्लिम हो हिंदू हो सिख हो कोई भी अगर हिंदूज हैं वो कहने लगे कि संध्या काल में हम मॉर्निंग में और इवनिंग में हमारे यहाँ पूजा होती है तो मैं पूजा आरती करने जाऊंगा वहां पर आपसे कहा जा रहा है भाई ड्यूटी पे लगो वहां पर वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो पहले पूजा करने जाऊंगा नहीं भाई देश की सुरक्षा पहले है राइट तो ऐसे में ये रेगुलेशन होता है ठीक है ये दिस इज द केस आई थिंक इट इज क्लियर टू यू रेस्ट्रिक्शंस तो रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस है एग्जाम्पल मैंने आपको दिए आप पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकते असेंबली जैसे सिविलियंस को अधिकार होते हैं वो यहाँ पर नहीं है फॉर दी नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर इसके बाद आता है आर्टिकल 34 फोर यहाँ पर मार्शल लॉ के बारे में बात कीजिए ध्यान से सुनीगा क्या कहता है ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसा कानून बना सकते हैं जहाँ पर मार्शल लॉ लग जब मार्शल लॉ लगा हुआ है किसी एरिया में तो वहाँ पर अगर किसी ऑफिसर ने

पुलिस इन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं सिविल ए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अभी इस एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ऐसे में सरकार मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउ कर सकती है यानी कि मिलिट्री के कंट्रोल में वो पूरा एरिया आ जाएगा तो ऐसे में उस एरिया में ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं फोर्सेस को और कठोर कदम में अगर कोई भी ऐसे कोई भी ऐसे एक्शंस लिए गए हैं तो ऐसे में वो इनडेमनीफाई हो जाएंगे इंडेमनीफाई का मतलब ये होता है कि आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ठीक है ये जरूरी होता है सो दैट दीज फोर्सेज कैन फील एम्पॉर्ड एंड द फर्स्ट प्रायरिटी शुड बी टू रिस्टोर द ऑर्डर क्योंकि अगर ऑर्डर रिस्टोर नहीं हुआ तो ज्यादा नुकसान होता है राइट रिस्टोर रिस्टोरेशन ऑफ द ऑर्डर एनी गवर्नमेंट सर्वेंट उनको कंपेंसेशन है यहां पर ठीक है तो आई थिंक ये बात आपको याद रहेगी इट कैन नॉट बी चैलेंज इंडेमनीफाई का मतलब यह कि चैलेंज नहीं कर सकते आप वहां पर सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉस डज नॉट इप्सो फैक्टो बाई दैट वेरी फैक्ट रिजल्ट इन टू सस्पेंशन ऑफ रेट ऑफ हैबेस्कॉर्पस लेकिन ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इसका मतलब ये नहीं है कि जैसी मार्शल लॉ लगा तो इप्सो फैक्टो खुद ही हैबिस्कॉर्पस की रेट सस्पेंड हो जाएगी ऐसा नहीं होगा डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल थर्टी फोर इज डिफरेंट फ्रॉम थ्री फिफ्टी टू ये मैंने आपको बताया मुझे लगता है यहाँ से एक ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है राइट यानी कि स्टिल हमारी फोर्सेस को भी ये ध्यान रखना होता है कि जो भारत का संविधान है उसके अनुरूप ही वो काम करें अगर एक्सेप्शन है कि भाई कोई और तरीका है ही नहीं तब वो ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर वायलेशन हो रही हैं मार्शल लॉ तो नॉट डिस्क्राइब इन आर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बात ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हमने कहां से बोरो किया इंग्लिश कॉमन लॉ से ब्रिटिश कॉमन लॉ से ये मैंने आपको बताया सिविल अथॉरिटीज ने कहा हमसे ना हो पाएगा तो उसके बाद फिर मिलिट्री अथॉरिटीज उनके हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है सरकम जैसे देखिए यहां पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आर्म्ड uh, कुछ मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने कंट्रोल ले लिया है अपने हाथ में कुछ ऐसी स्थिति बन गई है रेबेलियन वायलेशन इतना ज़्यादा हो रहा है वायलेंस हो रहा है तो उस केस में यहाँ पर लगाया जा सकता है जब लगे कि अब ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे में कैन पनिश सिविलियंस एन एविन कंडेम टू डेथ जब मैंने कहा ना कि वायलेशन तब करें जब उनको लगे कोई और रास्ता नहीं है राइट तो ऐसे में इम्पोज कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस राइट ऑफ सिटीजन कि उस समय आपके जो नॉर्मल अधिकार हैं कि आप अपने आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं एसोसिएशन मूव वो सब आपके रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं पहली प्राथमिकता क्या होती है टू रिस्टोर ऑर्डर ठीक है मार्शल लॉ uh, में और नेशनल एमरजेंसी में जो देखिए जो नेशनल अगर हम मार्शल लॉ की बात करें तो वो क्या कह रहा है इट इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट ठीक है ध्यान रखिएगा तभी मैंने कहा इंडेमनीफाई सम फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड लेकिन नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट के केस में आर्टिकल फिफ्टी के बारे में बात करी इट अफेक्ट्स नॉट ओनली फंडामेंटल राइट आल्सो सेंटर स्टेट रिलेशंस जब मैं आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पर क्या इफेक्ट होता है एग्जीक्यूटिव लेसलेटिव फाइनेशियल वो सारे इम्पैक्ट जो है पड़ते हैं नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होने पर ठीक है इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डरी लॉ कोर्ट्स इट कंटिन्यूज यानी कि देखिए यहाँ पर तो जैसे ही मार्शल लॉ लगा तो उसका मतलब ही क्या है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ठीक है गवर्नमेंट और ऑर्डनरी लॉ कोर्ट्स वो नहीं कर, काम कर पा रही हैं लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ डीएमएसएसपी और कोर्ट्स वो सब काम करना बंद कर देते हैं वो एज इट इज काम करते हैं ठीक है इट इम्पोज टू रिस्टोर ब्रेकडाउन अब जो ब्रेकडाउन हुआ है लॉन्ड ऑर्डर में उसको रिस्टोर करने के लिए होता है लेकिन यहाँ पर जब नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो तीन ग्राउंड होते हैं वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था मैं बताऊंगा फिर बाद में मुरारी जैसा देसा, ही सरकार आई नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हुई 75 से 77 तो उसके बाद उन्होंने वर्ड आर्म रेबिलियन ऐड कर दिया हम इसको डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी में इम्पोज इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री भाई जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और नेशनल इमरजेंसी जनरली मतलब वो नेशनल इमरजेंसी का मतलब है देश में हालांकि जब नेशनल इमरजेंसी बताऊंगा तो बताऊंगा कि कुछ एरिया को एक्सेप्शन के तौर पर भी रखा जा सकता है भले ही नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो इस वजह से मैंने क्या है यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि भाई होल में भी लगती है और पार्ट में भी लग सकती है ठीक है नो स्पेसिफिक प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इसके लिए तो स्पेसिफिक प्रोविजन है आर्टिकल थ्रिफ्टी में डिटेल में प्रोसेस भी दिया हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हटाया कैसे जाता है सब कुछ दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर डिटेल नहीं दी हुई विद रिस्पेक्ट टू मार्शल लॉ ये बात अगर बिल्कुल क्लियर है तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर क्लियर है अब आर्टिकल 35 ये आपका पार्ट थ्री का लास्ट आर्टिकल है सीधी सी बात आर्टिकल 35 ये कहता है कि देखो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े और साथ में ये भी पढ़ा कि फंडामेंटल राइट कई जगह पर कई चीजों को जब प्रोहिबिट करते हैं तो ये नहीं बताते कि पनिशमेंट क्या होगा ये नहीं बताते कि प्रोसेस क्या होगा उसके एग्जीक्यूशन का क्यों नहीं बताते क्योंकि आर्टिकल थर्टी फाइव है ना आर्टिकल थर्टी फाइव ये पावर पार्लियामेंट को दे रहा है कि पार्लियामेंट इस संबंध में कानून बना सकती है और पार्लियामेंट को क्यों दिया जिससे फंडामेंटल राइट का जब एप्लीकेशन हो पूरे देश में तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ सके एग्जाम्पल दू जैसे कि आर्टिकल सेवेंटीन वो प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को लेकिन प्रोहिबिशन एक्चुअली कैसे होगा प्रोसेस क्या होगा सजा क्या मिलेगी अनटचेबिलिटी किस किस केस में मानी जाएगी क्या ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है नहीं

इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक मुझे बताइए प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक अथॉरिटी दी हुई है कोर्ट दिया, दिया हुआ है और वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल हमने नहीं कहा था क्यों क्योंकि जिस प्राइवेट ऑथोरिटी पर वो लग सकता है मैंडमेस वो भी तब जब वो पब्लिक ऑथोरिटी की तरह काम कर रही हो तो यानी है तो पब्लिक अथॉरिटी की तरह काम करना तो इसे प्राइवेट नहीं कहते प्रोहिबिशन किस पर लगता है केवल कोर्ट्स पर लगता है तो आंसर क्या हुआ ए हुआ क्लियर है तो दिस वॉज योर फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री कंप्लीटेड टूडे तो, तो आई थिंक आपको इस पर क्लैरिटी मिली होगी कमेंट्स में आप बताइएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और डीडी डी सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी राइट सो so ट्यून्ड हाँ, एक और जरूरी जानकारी देखिए यूपीएससी एग्जाम जिसमें कि स्ट्रेटजी चाहिए मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज राइट एक स्ट्रेटजी से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें राइट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें प्रोलम्स बेस भी करें मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिर फीडबैक लें तो अगर आप केवल ये एक रूटीन बना लें ना डेली लाइफ में तो आप विद इन वन एंड हाफ मंथ यू विल सी टेंजबल चेंजेस इन योर प्रपरेशन और वो आएंगे ही चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो प्रपरेशन में आप जीरो पर खड़े हैं लेकिन आज आप ये मान लें कि भाई मैंने अपने सिलेबस को पोर्शन में डिवाइड कर दिया है जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की जी एस ऑप्शनल करंट अफेयर्स वो मेरे डेली रूटीन में है चाहे छोटे छोटे पार्ट लीजिए कम स्टार्ट कीजिए मतलब क्या हैबिट बनाइए तो अगर एक समय में एक डे के स्पेसिफिक टाइम में आप बैठ कर उस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर कर रहे हैं तो इंक्रीमेंटल चेंजेस से बड़ा चेंज आता है ठीक है तो ऐसे में अगर आपका रूटीन नहीं बन पा रहा है तो आई वुड एडवाइज कि रूटीन और राइट right कंटेंट के लिए आप स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन कोर्स ऑप्शनल कोर्स ऑप्शनल तो आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और त्यागी लाइफ कोड आप यूज करेंगे तो जहां जितना भी आपको वहां पर फीस शो हो रही होगी उससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा टी वाई ए जी आई त्यागी लाइफ आपको स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जाना है और क्लासेस को स्टार्ट करना है त्यागी लाइफ कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तो so क्लासेस में हम वहाँ पर मिलते हैं